जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान से संबंधित, तो सभी लोग यहाँ पर जल्दी से लाइव आ जाएं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें एक बार। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपके लिए शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप की वह आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, सभी लोग आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान की। हाँ, तो देखिए आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? चार विकल्प हैं आपके सामने, आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है। चार विकल्प हैं, कमेंट में आंसर सभी लोग बताते जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है विकल्प नंबर बी में? सिको सर की आपका जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए इगोर इवानोविच सिको सर की रूस में जन्मे थे, जो अमेरिका विमानन क्षेत्र में अग्रणी थे। इन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया और 1919 में इन्होंने इस संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद सिको सर की में जो है 1923 में सिको सर की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो यह भी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो, कि रडार के आविष्कारक थे तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर दो का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर दो है यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर, रडार के आविष्कारक हैं तो थे कौन थे? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है यहाँ पर राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर, डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है टेलर एवं यंग, आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। डी हो गए यहाँ पर पवन जी, रीना जी, आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। रडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग ने वर्ष 1922 में किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ, जिन्हें जिन्होंने खोज की थी, तो आपके लिए बताना है किसकी खोज की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की? तो तीन चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे दिव्या जी, नरेंद्र जी, नितिन जी, संध्या जी। क्या है इसका राइट आंसर? कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है, नोबेल के नाम से दिन जो है शुरू हुआ, इन्होंने खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है डायनामाइट की। डायनामाइट आपके लिए याद रखना है, डायनामाइट विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की जो खोज है का श्रेय इन्हीं को जाता है दिया जाता है, जिन्होंने माइनिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। अगला क्वेश्चन है कि क्या है तलित चालक के आविष्कारक हैं? तो क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चार है, सभी लोग आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या है राइट आंसर। कि
तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर विकल्प नंबर सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, बेंजामिन और फ्रैंकलिन। बेंजामिन और फ्रैंकलिन जो हैं यह तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सोनू जी ने, विकल्प नंबर सी पवन जी राइट आंसर है। देखिए तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंची भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि टेलीविजन टीवी का आविष्कारक जो है कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग आंसर बताएं यहाँ पर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका कौन सा होगा यहाँ पर, राइट आंसर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। टीवी या टेलीविजन एक दूरसंचार माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के जॉन लॉजी बेयर्ड मैकिनियल इंजीनियर थे, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया। और क्या है यहाँ पर देखिए, 1928 में बेयर टेलीविजन डेवलपमेंट कंपनी ने पहला ट्रांसलॉन्टिक टेलीविजन प्रसारण किया था, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सुमन यादव जी, रीना जी, तो सभी लोग बताएं एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर है रोंटजन। रोंटजन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रोंटजन आपके यहाँ पर सही आंसर है। सौरभ जी आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी रोंटजन। रोंटजन आपका सही आंसर है, एक्सरे का आविष्कार जो है यहाँ पर देखिए विलहेल्म रोंटजन जन ने किया था, यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, चार विकल्प हैं आपके सामने, न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड और गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, क्वेश्चन नंबर 7, और चार विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट में लिखेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प नंबर वह है डी, गैलीलियो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल सही आंसर है, गैलीलियो। गैलीलियो विकल्प नंबर डी जिन्होंने ही बताया यहाँ पर उनका राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो गैलीली जो है इटली के वैज्ञानिक थे, एक महान जो है आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय योगदान और सहयोग था इनका, तो यह आपके लिए गैलीलियो जी के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। हवाई जहाज बताना, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरती जी क्या इसका राइट आंसर कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो आपके यहाँ पर सोनू राठौर जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा,
क्या है? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी है आपका यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए राइट बंधु ऑरविल जो है और बिलबर, यह जो दो अमेरिकन बंधु थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है, इनको हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं, गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार विकल्प है आपके सामने, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी आपके लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए सभी लोग, पीडीएफ वहीं पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और इसका राइट आंसर क्या है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, डेमलर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पर सी होगा आपका राइट आंसर, रवीना पाटीदार, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, डेमलर। देखिए डीजल इंजन की खोज डीजल ने जो है, सेफ्टी लैंप की खोज डेबी ने, और कार्बोटेर और गैस इंजन की खोज डेम्पलर ने की थी, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की परमाणु बम का विकास किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि क्या है कि परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो चार विकल्प है आपके सामने, एक विकल्प का आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट में आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह होगा, क्या होगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, आपका राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपेन हीमर, यह आपका जो है राइट आंसर होगा, इन्होंने परमाणु बम का विकास इन्होंने किया, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया, बिल्कुल सही यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। विश्व के इस पहले नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिका मूल के वैज्ञानिक जो है कौन, रॉबर्ट ओपेन हाइमर इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 है और चार विकल्प है आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? खुशी जी, सोनम जी, तबीना जी, नैना जी। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर एक, यहाँ पर सही आंसर है एक आपका, बबीता जी राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। क्या है? बर्न बॉन ब्रान आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इन्होंने प्रक्षेपास्त्र का जो है विकास किया है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम बताना है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर और चार विकल्प है आपके सामने, चार विकल्प है आपके सामने, और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? बर्न वॉन ब्रान या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर या एडवर्ड टेलर या सेमूर क्रे। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का आपके यहाँ पर राइट आंसर है वह है क्या, विकल्प नंबर सी, एडवर्ड टेलर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, एडवर्ड टेलर, विकल्प नंबर सी, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम परमाणु बम का एक किस में है? हाइड्रोजन बम या एच बम,
यश बम भी कहते हैं इसको, अधिक शक्तिशाली परमाणु बम होता है जिसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी आपके लिए याद रखना है, परमाणु के संलयन करने से बम का विस्फोट होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लेजर का आविष्कार किसने किया था, लेजर लिखा है यहाँ पर, तो सभी लोग यहाँ पर सुधार लें, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, चार विकल्प हैं आपके सामने। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, लेजर का आविष्कार किसने किया, रंजीत पाल जी, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में आपका यहाँ पर क्या है, देखिए टी एच मेनन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। लेजर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रबंधन है इसका जो है संक्षिप्त नाम है। प्रत्यक्ष वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा संवर्धित एक सीधी रेखा की किरण में बदलकर उत्सर्जित करने का तरीका होता है, यह आपके लिए याद रखना है। और देखिए इस प्रकार निकली प्रकाश किरण को भी लेजर किरण भी कहा जाता है, इसका आविष्कार टी एच मेनन ने किया था। तो टी एच मेनन आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है इसका राइट आंसर कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग बताएंगे यहां पर। क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया वह किया था किसने, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, नॉल और रूस का आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है नॉल और रूस का आपका सही आंसर है। इसका आविष्कार जर्मनी के अंतरिक्ष रूस का ने 1921 में किया था। अब जरा यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता क्या है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इसको, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुमेलित नहीं है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है हाँ, तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, जे पार्किंस पेनिसिलियन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं, तो बताइए कंप्यूटर का जनक किसको यहाँ पर बताना है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं तो कौन है वह व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर सभी लोग बताएं, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाला वाले व्यक्ति हैं तो कौन है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है, बेबेज, बेबेज आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 में हुआ था, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेट इंजन बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है, चार विकल्प है आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, अजय जी, नरेंद्र जी, रानी जी, नितिन चौहान जी, क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17,
जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सभी लोग बताएंगे यहां पर, और इसका राइट आंसर है कि जेट इंजन का आविष्कार किया है, तो वह क्या है आपका विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। बी यहां पर जिन्होंने बी बताया है उनका राइट आंसर है फ्रैंक, फ्रैंक जो थे इन्होंने क्या किया है, जेट इंजन था जो इसका आविष्कार किया है, तो आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसे, आविष्कारक किसे माना जाता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर बताएंगे। सौरभ जी क्या है इसका राइट आंसर, कि माइक्रो फोन का आविष्कारक किसे माना जाता है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर का चयन करेंगे यहां पर। माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होगा, एमिली बर्लिनर आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, वर्सु जी विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्कूटर, स्कूटर के आविष्कारक बताना है। चार विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। नैना चौहान जी, कांति जी क्या है इसका राइट आंसर, कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे। नरेंद्र अहिरवार जी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जल्दी से बताएं कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है। और क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, एक, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, एक आपका ब्राड सो आपके यहाँ, ब्राड सा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताते जाएं जल्दी जल्दी से। क्या होगा अलका जी इसका राइट आंसर, कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है। चार विकल्प है आपके सामने और आंसर आपके लिए एक विकल्प का चयन करना है यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को एक बार लाइक कर लें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है क्या है आपका, राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी एनरिको फर्मी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है यहाँ पर। और अगली क्लास जो है आपकी इसके बाद 5:30 बजे, 5:30 बजकर 30 मिनट पर आपकी अगली क्लास है, इसमें इंडिया का जीके लाया जाता है आपके लिए, वहां पर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वायरलेस का आविष्कार किसे माना जाता है, तो आविष्कारक किसे माना जाता है वायरलेस का, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या है इसका राइट आंसर, कि वायरलेस का आविष्कारक किसे माना जाता है। चार विकल्प हैं आपके सामने, एक विकल्प का चयन करना है, और सभी लोग आएंगे अभी 5:30 बजकर पर जो क्लास होगी इंडिया जीके की, उसमें सभी लोगों को आना है। और वायरलेस का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या है, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, मार्कोनी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक, हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया उनका राइट आंसर है। इटली के वैज्ञानिक थे है मार्कोनी, और इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में किए गए इनके योगदान हेतु वर्ष 1909 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, तो 1909 भी आपके लिए याद रखना है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1909 में। अगला क्वेश्चन है क्या है, माउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो बताइए कि माउंटेन पेन के आविष्कारक कौन हैं, कौन थे, वाटरमैन या पार्कर या चेल पार्क या सेफर।
तो रंजीत जी क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है वह आपका विकल्प नंबर एक। क्या है विकल्प नंबर एक में? वाटरमैन आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है बरचू प्रजापति जी, विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए माउंटेन पेन एक केशित्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक युक्ति है जिसका आविष्कार सन 1884 में अमेरिकी जो आविष्कारक कौन थे? एडसन वाटरमैन ने इन्होंने किया था इसका आविष्कार है आपके लिए याद रखना है। और वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है क्या है विल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर कि विलहेल्म रोंटजेन ने आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर विलहेल्म रोंटजेन ने आविष्कार किया था। तो किसका किया था? चार विकल्प हैं, रेडियो का, एक्सरे मशीन का, या विद्युत बल्ब का, या विद्युत मोटर का। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक्सरे मशीन जो है इसका जो है आविष्कार किया था रोंटजेन जी ने। तो याद रखना है विकल्प नंबर, हाँ बिल्कुल सही वर्षु प्रजापति जी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टाइपराइटर के आविष्कारक हैं तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, चार विकल्प है आपके सामने कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपके लिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24, बबली जी, नितिन जी, रानी। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है रवीना जी वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका सोल्स आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए टाइपराइटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग कागज पर कोई पाठ टाइप करने के लिए किया जाता है। टाइपराइटर का आविष्कारक क्रिस्टोफर सोलेज और कॉर्लेस जो ग्लिंडन थे इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था टाइपराइटर जो यंत्र था। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है इसका राइट आंसर कि सेफ्टी लैंप लैंप है जो इसके आविष्कारक है तो कौन है? चार विकल्प हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। और सभी लोग यहां पर वीडियो को एक बार लाइक कर लें, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और सभी लोग आंसर बता दे चाहे क्वेश्चन नंबर 25 का। और रोज अपनी एक क्लास होती है कितने बजे? 4:05 पर, रोज 4:05 पर। और पीडीएफ आपके लिए जो है वह मिलती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आपके लिए। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। और जो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं वह है आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर डेवी। डेवी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है डेवी। डेवी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग एक विकल्प का चयन करेंगे। हेमराज जी, तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 है और चार विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा एक यहाँ पर, बिल्कुल सही राकेश जी, एक आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर एक। खास तो देखिए यहाँ पर आमतौर से थॉमस जो है इनको बल्ब का आविष्कारक माना जाता है, हालांकि इसमें मतभेद और विवाद भी है। कुछ लोगों का यह विचार है कि एडिसन ने सिर्फ उसकी
संकल्पना परिकल्पना की थी और असल में बल्ब का आविष्कार जो है अन्य वैज्ञानिक ने किया था। तो इसमें थोड़ी सा क्या है, मतभेद विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर 28 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चार विकल्प है आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो, इसका आविष्कार किसने किया, तो किसने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीतू जी, कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। एकर्ट एवं मोसली आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एनईएक की कल्पना और डिजाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मॉचली और जे जो है प्रेस पर एकर्ट द्वारा की गई थी, तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राडार का आविष्कारक कौन था, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। डबल हो गया क्या यह क्वेश्चन, तो सभी लोग बताएंगे 29 का राइट आंसर बताना है कि राडार का आविष्कारक किससे माना जाता है। चार विकल्प है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है और सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका राइट आंसर यहाँ पर कि रडार का आविष्कारक कौन है, तो वह है आपके कौन है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक रॉबर्ट वाटसन आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन ने स्कॉटलैंड में 1930 में किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मशीन गन का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का यह आखिरी प्रश्न है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर, कि मशीन गन का आविष्कार किया गया था, तो जे एल वेयर्ड द्वारा या जी ब्राउस द्वारा, कॉल बेंज द्वारा, जेम्स पकल द्वारा। चार विकल्प हैं और सभी लोगों को यहाँ पर अभी चार जो है 5:30 पर एक जो इंडिया जीके की क्लास होगी इसमें सभी लोगों को आना है, चार जो है कितने बजे, 5:30 पर। और इसका राइट आंसर क्या है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जेम्स पकल द्वारा, विकल्प नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही यहां पर लाला बाना जी, विकल्प नंबर डी जो है यहां पर इसका सही आंसर होगा। मशीन गन को सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर जेम्स पकल ने सन 1718 में जो है मशीन गन की खोज की थी, आपके लिए याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, यहाँ पर सभी लोग एक बार वीडियो